हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिरके वाले प्याज, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम खाना कितना भी बढ़िया क्यों ना बनाएं, जब तक हम रेस्टोरेंट स्टाइल लुक नहीं अपने खाने में लाते हैं तो खाना उतना मजेदार नहीं लगता है, चाहे हमारा कितना ही अच्छा खाना हो। तो उसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं सिरके वाले प्याज, वो भी बहुत बढ़िया, रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे ऑनियन, देखिए इस टाइप के ऑनियन लिए हैं, और मैंने इनमें कट लगा लिया है इस तरह से। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कट कैसे लगाना है। देखिए इस तरह से आप कट लगा लीजिए। इस तरह से आप कट लगा लीजिए, और मैंने सभी प्याज में कट लगा लिया है। तो और बाकी हम चीज़ें भी इसमें डालेंगे वो हैं, देखिए मैंने एक बीट रूट लिया है और उसको कट कर लिया है, और कुछ 8-10 हरी मिर्च ली हैं, वो भी अच्छी लगती हैं सिरके में, तो वो भी मैंने कट कर ली हैं, और 1 इंच अदरक, वो भी मैंने इस टाइप से कट कर लिया है, देखिए। और अब हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे पानी, आधा कप पानी लेंगे, और उसमें हम डालेंगे नमक, वो भी हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। नमक के बिना सिरके का टेस्ट बहुत ज्यादा खट्टा होता है और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो नमक भी जरूरी है। देखिए ये मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है, और अब हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, या देसी खांड, या आप जो भी पिसी हुई चीनी डाल सकते हो, या साबुत चीनी जो होती है वो भी। ये देखिए मैं ये 2 चम्मच चीनी डालती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और बैलेंस्ड वे में आएगा नमक और चीनी डालने से। तो अब हम इनको करेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सिरका। ये देखिए 1 कप सिरका डाल रही हूँ। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अपने आप भी मिक्स हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने पीसी हुई चीनी ली हुई है, वो इजीली भी डिसॉल्व हो जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे बीटरूट्स, बीटरूट का कलर आने में टाइम लगेगा, या तो हम बॉईल करके भी इसको डाल सकते हैं, उससे कलर एकदम जल्दी आ जाएगा। बट ये अभी हमें इसको वैसे भी 24 आवर्स या 1-2 दिन मतलब हम रखेंगे, तभी फ्लेवर आएगा इसमें सिरके का खट्टे वाला, तो अपने आप ये इसका आ भी जाएगा कलर। अगर जो इंस्टेंट कलर चाहते हो तो आप इसको बॉयल कर लीजिए। और मैं इसमें डालूंगी अब हरी मिर्च, जो मैंने इस तरह की कट की हुई है। और मैं डालूंगी अब इसमें अदरक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे प्याज जो हमने कट किए हुए हैं, बेबी ऑनियन। आप बड़े प्याज भी ले सकते हो, उसको आपको 2 कट पीसेस में कट करने होंगे, तो मैं अभी बेबी ऑनियन ही ले रही हूँ, वो अच्छे ज्यादा आते हैं फ्लेवर में, उसका फ्लेवर
अच्छा आता है ज्यादा सिरके वाला। तो अब हम इनको कर लेंगे मिक्स और अब हम इसको किसी जार में डाल लेंगे। देखिए तो चलिए अब हम जार हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए और उसमें अब हम इसको डाल लेते हैं। देखिए हमने सारे सिरका और प्याज अदरक और चुकंदर को जार में डाल दिया है और अब हम इसको एक दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बंद करके। जितने दिन ये पुराना होता रहेगा दो तीन दिन में इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाएगा। इसको हम 10-12 दिन इजीली रख सकते हैं। जैसे ही ये खत्म होता है तो इसी के सिरके में हम और ऑनियन डाल दें तो वो भी अच्छा उसमें भी फ्लेवर आएगा। तो अभी हम इसको एक दो दिन के लिए बंद करके रख देते हैं। एक दिन के बाद फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पिंक कलर के, और ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। जितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं उतने ही अच्छे खाने में भी है, रेस्टोरेंट स्टाइल प्याज। तो चलिए इसको एंजॉय कीजिए सिरके वाले प्याज को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।